हेलो फ्रेंड, माय नेम इज रंजना और आज हम एनसीईआर का सेकेंड असाइनमेंट करेंगे. सो लेट्स मूव विद द क्वेश्चन. फर्स्ट, इंक्रीज इन जीडीपी अपीयर लिंक इन इंक्रीज इन एनर्जी यूजेस. ट्रू. हाइड्रल पावर कंट्रीब्यूट नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट. ट्रू. बायोमास कंस्टिट्यूट ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रैक्शन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज बायोमास एक तरह से बायो एनर्जी होती है और इसको बनाया जाता है प्लांट और एनिमल जब डिके हो जाते हैं तो उनसे हम फ्यूल बनाते हैं और उसको एनर्जी में यूज करते हैं. और जो ये एनर्जी होती है रिन्यूएबल एनर्जी होती है. और ये जो जो भी हमारे एनर्जी का कंट्रीब्यूशन में ये भी एक मेन पार्ट रोल कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में. दैट्स वाई हम इसे ट्रू कर रहे हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. न्यूक्लियर पावर सपोर्ट अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी नीड. पूरी दुनिया में जितनी भी एनर्जी यूज हो रही है अगर न्यूक्लियर पावर की बात करें तो वो लेस अमाउंट में यूज होता है क्योंकि यह एक्सपेंसिव है और कॉम्प्लेक्स भी है. और इस पावर का यूज करना तो यह क्वेश्चन फोर्थ वाला जो होगा वो भी ट्रू होगा. बायोमास इम्प्लॉयज द बर्निंग ऑफ द ओल्ड ऑर्गेनिक मैटर. इसका भी जवाब क्या होगा? ट्रू होगा क्योंकि हमें पता है जो बायोमास जो होता है उसको जो बायोमास इज अ प्लांट मटेरियल दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद स्टीम. फॉर एग्जाम्पल बायोमास इज एनिमल फॉसिल फ्यूल. तो हमें पता है कि जब भी बायोमास जब बनाते हैं तो जो जो भी मान लीजिए उसको जलाया जाता है पहले बायोमास का. जैसे मान लीजिए सुगर केन का जो वेस्ट मटेरियल होता है जो उसको क्या करते हैं बर्न करके वहाँ से भी हम लोग एक फ्यूल बनाते हैं. तो प्लांट से फ्यूल बना रहे हैं तो वहाँ पे एक प्रोसेस वहाँ पे बर्निंग का किया जाता है. तो दैट्स वाई ये ट्रू हो रही है. द बायो मास इम्प्लाइज द बर्निंग ऑफ वुड और ऑर्गेनिक मैटर. आगे मूव करते हैं. द सर्वल स्मॉल हाइड्रो पावर स्टेशन आर बेटर देन वन लार्ज हाइड्रो पावर स्टेशन ऑफ द सेम कंबाइंड कैपेसिटी फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट. दिस इज ट्रू. पर कैपिटा एनर्जी यूजेज अप्रोक्सीमेटली द सेम इंटरनेशनली. जो पर कैपिटा एनर्जी होता है वो हर देश का अलग होता है. हम इंटरनेशनली इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि हर देश की एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन अलग होगा तो वो हम अप्रोक्सीमेट सेम तो इंटरनेशनली नहीं होता है. दैट्स वाई यह फॉल्स होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी यूजेज अमंग्स द वेरियस सेक्टर. ट्रू. इंडस्ट्रियल सेक्टर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोसेस हीटिंग. दिस इज ऑल्सो ट्रू. चाइना एंड इंडिया रिप्रेजेंट स्कोप ऑफ द सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ द ऑटोमोबाइल सेल. और कुछ समय से देखा जा रहा है कि चाइना और इंडिया ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बहुत ही आगे डेवलप कर रहा है. तो दैट्स वाई सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ द ऑटोमोटिव सेल. तो दैट्स वाई दिस इज ट्रू. एंड ये असाइनमेंट यहाँ से सबमिट कर दीजिए. सबमिट करने के बाद आएगा थैंक्स फॉर टेकिंग असाइनमेंट टू. और इस होप यू एंजॉय दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं कोई भी असाइनमेंट इसका सॉल्यूशन अपलोड करूं तो आप सभी इसको प्राप्त कर पाएँ. और इस वीडियो में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें. और थैंक्स फॉर वॉचिंग.